हेलो सेवेंथ क्लास, वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास। लेट्स कंटिन्यूज अवर चैप्टर 3 ऑफ जियोग्राफी। दिस इज़ द अवर लास्ट टॉपिक। ओके, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। अवर टॉपिक इज़ वर्क ऑफ द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर कैसे वर्क करता है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। द वाटर दैट सैप अंडरग्राउंड इज़ द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ इरोजन एंड डिपोटेशन। क्या है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो मोस्ट पावरफुल सोर्स है किसके लिए? इरोजन के लिए और डिपोटेशंस के लिए। द पावर ऑफ ग्राउंड वाटर कैन बी सीन इन सच लैंडफॉर्म एज द केवर्न्स एंड पोथोल्स होता है गड्ढे। जो ग्राउंड वाटर है कैन बी सीन इन द लैंडफॉर्म में हम कैसे सीन कर सकते हैं? गड्ढों में पड़ा हुआ, ठीक है। इट द वाटर इज लाइटली एक्टिस और द स्लीप ग्राउंड अंडरग्राउंड थ्रू द लाइम स्टोन रीजन। इट डिजॉल्व द रॉक एंड मेक द स्केल्टाइट्स एंड स्टार लेगमाइट्स। ओके, इसमें क्या है कि अगर जो वाटर है, एसिड क्या होता है? तेजाब। कि जो वाटर है वो थोड़ा तेजाबदायक है, था जहाँ इसका जो चूना पत्थर क्षेत्र है उसका माध्यम क्या होता है? चूना पत्थर होता है लाइमस्टोन, ठीक है। वो डिसॉल्व करता है रॉक्स में। ओके, तो क्या बनाता है? एक स्टेलाटाइट्स और स्टेलेगमाइट्स बना देता है, ठीक है। इसमें क्या है, जो स्टेलाटाइट्स आर रॉक्स मेड बाय द एसिड वाटर हैंगिंग फ्रॉम अबव द केव। कि जो स्टेलाइट रॉक्स हैं वो कैसे बनते हैं? एसिड वाटर से, तेजाबी वाटर होता है जो उसको हैंग करने से, हैंगिंग फ्रॉम अबव द केव्स। ओके, और जो स्टेलेगमाइट आर, उस स्टेलेगमाइट होता है खनिज स्तंभ, आर सिमिलर टू द स्केलाइट बट राइज फ्रॉम द केव फ्लोर। स्टालेगमाइट सेम ही होती हैं बट ये राइज होती हैं केव फ्लोर से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क ऑफ सी वेव्स। वेव्स आर द रिपल्स इन द ओशियंस। की जो वेव्स होती हैं ओशियंस में रिपल होती हैं, कि जो समुद्री लहरें होती हैं वो तरंग होती हैं। लैंडफॉर्म सच है द हेलो आउट्स ऑन द सी कोस्टस आर कॉल्ड द सी केव। कि लैंडफॉर्म के सच हेलो आउट्स ऑन द सी, जो लैंडफॉर्म के हेलो आउट्स सी फॉर्म के कोस्टल पर होते हैं उसे क्या कहते हैं? सी केव्स। व्हेन दीज कैविट्स बिकम बिगर सी आर्चेस आर फॉर्म्ड। कि जब ये लहरें बड़ी हो जाती हैं तो सी अर्चिस में कन्वर्ट हो जाती है, सी अर्चिस बन जाती हैं, ठीक है। सम टाइम्स द फोर्स ऑफ वाटर हाई ब्रेक डाउन द रूफ ऑफ द केव एंड द लेफ्ट ओवर पार्ट आर कॉल्ड द स्ट्रैक्स। कभी कभी क्या होता है कि जो पानी की ऊंचाई का जो बल होता है वो गुफा की छत को तोड़ देता है और बाई ओर के हिस्सों को डेर स्ट्रैक्स कहा जाता है। ओके, When the steep rocky coast rise vertically above water through the weathering and erosion, a sea shelf is formed. जब जो steep rocky coastal को rise होती हैं vertically, तब क्या होता है? जो water